हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्वीट डिजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी है उतना खाने में भी बेहद टेस्टी है। इसे आप नवाबी सेवैयाँ भी बोल सकते हैं। इसको हमने 6 लेयर में बनाया है। एक दो लेयर में सभी बनाते हैं, लेकिन 6 लेयर में बनाने की वजह से ये काफ़ी टेस्टी है। तो ये बिना मिल्क पाउडर के है। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से बताती हूँ, आपका टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले पैन को चढ़ा दिया है। इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे। घी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद हमने 200 ग्राम सेवैयाँ को बारीक करके रख लिया है। फिर हम डालेंगे इसमें 100 ग्राम के करीब खोया, जिसे हम गर्म करेंगे, हल्का सा मेल्ट करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे चीनी, जो कि आप चम्मच से खाना खाते हैं उस चम्मच से 4 से 5 चम्मच चीनी हमने ऐड किया है। ग्राम में देखें तो ये 50 ग्राम के करीब। तो 100 ग्राम खोया और 50 ग्राम चीनी, 200 ग्राम सेवैयाँ। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, मैं 200 ग्राम सेवैयाँ को बारीक करके जो हमने रखा है इसको इसमें डाल देंगे। और इस तरह से तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि खोया, चीनी और सेवैयाँ को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक आपको धीमी आंच पे इसे पकाना है। और सारी चीज़ों को पकाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो टेस्ट हो इसका तीनों का एक में घुल मिल जाए, तभी ये खाने में अच्छी लगेंगी। तो आपको इस तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट या 3 मिनट भी लग सकते हैं, तो धीमी आंच पे आपको जब तक चलाना है जब तक कि अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता और इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसको रख देंगे साइड में। अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसे हमने साइड में रख दिया है प्लेट में डाल करके, और इसे ठंडा भी नहीं करना है। लेकिन तब तक हम कॉर्न फ्लोर डालेंगे। थोड़ा सा दूध लिया है, 1 कटोरी में 1 चम्मच कॉर्न फ्लोर और 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इस तरह से आपको ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने 1/2 kg दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है उसी पैन में। तो इसे मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गांठें वगैरह ना पड़े, तो आपको अच्छे से मिला लेना है। और जैसे ही दूध में उबाल आएगा वैसे ही इसको हम डाल देंगे। और इसे डालते हुए आपको बराबर चलाते रहना है, ताकि दूध में गांठें वगैरह ना पड़े। अब ये मिक्स हो गया है, दूध में उबाल आ गया है। अब मैं दूध में डालती रहूँगी और चलाती रहूँगी, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट पक जाए। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं, या पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टेस्ट के अनुसार चीज़ें ऐड करें। हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी ऐड कर दिया है, पाउडर शुगर डाला, ताकि लास्ट में बिल्कुल इसको घुलने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, देखिए इस तरह से। तो इसे हम अब उतार कर साइड में रख देंगे। अब हमने साइड में उसे रख दिया है, तब तक हम सेवैयाँ को इस तरह से लेयर बनाकर तैयार करते हैं। तो एक हमने लिया है बाउल, प्लास्टिक का है, जो कि इसे हम अच्छे से कटोरी की हेल्प से दबा देंगे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। जैसे ये चिपक जाता है तुरंत हम डालेंगे जो कस्टर्ड का घोल बनाकर तैयार किया है, उसे इस तरह से डालेंगे और फैला देंगे। फिर इसके ऊपर सेवैयाँ की लेयर डालेंगे, और फिर इसको आप हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। लेकिन प्रेस करने से क्या होगा कि कस्टर्ड इधर उधर हो जाएगा। तो हाथों से हमने हल्के हाथों से ही इस तरह से फैला दिया है। उसके बाद फिर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल, और फिर इसके ऊपर सेवैयाँ। आप इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जब भी आपको जो चीज़ें पसंद है बीच में भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने नहीं डाला है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो हमने लास्ट में ही ड्राई फ्रूट्स को ऐड किया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है। इसे आप कभी भी बना कर खा सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी गर्मी का मौसम है तो इसे आप कभी भी बना कर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे काजू, बादाम, पिस्ता से सजा दिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने केसर को भिगो के रखा था, तो इस तरह से केसर से सजा देती हूँ, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चों को बेहद पसंद आएगा।
तो देखिए मेरा डिज़र्ट तैयार है, नबाबी सेवैयाँ हमारी बनकर तैयार है, जो कि बेहद टेस्टी है। देखने में जितना अच्छा इसका लुक है, उतने ज़्यादा खाने में टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाएं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसे आप फ्रिज में रख के 2-3 दिन खा सकते हैं, तो ख़राब भी नहीं होता है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए कट करके दिखाती हूँ, तो काटने के बाद इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट सा डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। इस तरह से कट लगाकर आप छोटे छोटे पीस निकाल लीजिए और प्लेट में रख कर सर्व कीजिए, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और 1-2 घंटे जब फ्रिज में रख देते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये जम जाता है, बर्फ़ी की तरह जम जाता है, और इसे किसी भी शेप में काट कर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मेरा डिज़र्ट बनकर नवाबी सेवैयाँ तैयार है। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूँगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।